फोर्थ सम का सेकंड पार्ट है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो एक्स और वाई हमने फ्रैक्शन ले ली और न्यूमरेटर में से 1 घटाया, न्यूमरेटर में से 1 घटाया तो बन गई वो 1/3। एंड सेकंड कंडीशन क्या है, अगर व्हेन 8 इज एडेड टू इट न्यूमरेटर, एक्स ओवर वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 1/4। तो फ्रैक्शन ये दो मतलब कंडीशन हमने ले ली, ठीक है, तो ये आ गया 3x-3 इज इक्वल टू वाई, आ गया 3x-y-3 इज इक्वल टू 0, एक नंबर इक्वेशन बन गई। और ये 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8 और 4x-y-8 इज इक्वल टू 0, ये दो नंबर इक्वेशन बन गई। इसको इसके नीचे लिख देता हूँ। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करते हैं तो यहाँ पर 3 × -1 -3 आ गया, -3 - 3 +3 आ गया, माइनस इसको इसके साथ -1 को -8 से किया तो -8 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर किया -3 × 4 - 12 - 8 = 24 माइनस के, तो ऐसे आ गया। और ये 3 × -1 तो -3 - 4 × -1 - 4, तो ये आ गया x/-5y/24 - 12 आ गया, तो इज इक्वल टू आ गया 1/4 - 3 आ गया। तो x इज इक्वल टू -5 आ गई, इसको इसको इक्वल करके, और y इज इक्वल टू 12 आ गई, हमारी फ्रैक्शन बन गई, माइनस नहीं आनी चाहिए। -y × -y - 3 × -3 माइनस नहीं आनी चाहिए, तो रकम गलत है यहाँ पर, 3 × -1। वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, x-1 एंड इट बिकम्स 1/4, 8 इज एडेड टू, तो थ्री एक्स माइनस 3 × 3 इज इक्वल टू वाई, और 3x-y - 3 इज इक्वल टू 0, या गया 4x y + 8, 4x-y - 8 इज इक्वल टू 0, तो 3x-y - 3 इज इक्वल टू 0, 4x-y - 8 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू -y × -, पहले ये करना था 8 - 3, ये -5 आएगा, ठीक है, हो गया। तो हमारी फ्रैक्शन आ गई x/y = 5/12। अब इसमें एक माइनस करते हैं तो यह आया 4/12, 4 × 3 = 12, तो 1/3 आ गई। अगर इसमें 8 प्लस करते हैं तो 12 + 8 = 20, 5/20 = 1/4, तो ये हमारा आंसर है।